Knock, 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 knock. Are you ready? The Knock Knock Show. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। दौर बदल गया, लोग बदल गए, ऑप्शंस बढ़ गए, हर चीज़ में ऑप्शन। कपड़ों में ऑप्शन, ऑनलाइन चले जाओ। गाड़ियों में ऑप्शन, गाड़ी पे गाड़ी लेते चले जाओ। और हमारा तो फेवरेट काम है ना, प्रॉपर्टी खरीदना। ऑप्शन ही ऑप्शन, हर चीज़ में ऑप्शन। मैं गया आइसक्रीम लेने, मैंने कहा भाई आइसक्रीम देना, उसने 150 फ्लेवर बता दिए, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ये वो। नहीं, अब तो फलाना आ गया, बनाना वॉलनट। मैंने कहा एक सेकंड, आप मुझे बेसिक आइसक्रीम दे दें भाई, वनीला। उसने कहा सर कितने स्कूप? मैंने कहा स्कूप भाई एक ही डाल दें आप, आज मैं एक ही खा लेता हूँ, कोई बात नहीं। कह रहे सर इस पे आप स्प्रिंकल्स कौन से चाहेंगे? रेनबो क्रिस्टल, ये क्रिस्टल, वो क्रिस्टल। हमारे पास असली क्रिस्टल तो आ नहीं रहा भाई, तू कुछ भी डाल दे इस पे, तू मेरी तरफ से भंगड़ा डाल दे इस पे। सर लाहौर का, इस्लामाबाद का, फैसलाबाद। मैंने कहा भाई मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, एक वक्त था मेरे बचपन का यार, अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। मुझे कुल्फ़ी खानी होती थी तो घर पे ज़मीन देखकर अम्मा के सामने वहाँ पे मुझे नागन डांस करना होता था, रो रो के कुल्फ़ी के पैसे मिलते थे मुझे, मैं वो कुल्फ़ी खाता था और उस कुल्फ़ी की लकड़ी की रूह तक चूस लेता था। दौर बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन एक शख्स आज तक नहीं बदला। अर्ली 90s में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया मॉडलिंग से, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उनको ड्रामों में देखा। मेरा पहला ड्रामा उनके साथ था, मैंने उस दौर में भी उनको देखा जब उरूसा सुपर हिट था, और उसके बाद उरूसा से लेके मेरे पास तुम हो, और फिर तमाशा। नॉक नॉक, एक बार फिर नॉक नॉक, एक बार फिर नॉक नॉक, द वन एंड ओनली अदनान सिद्दीकी। एक तो है अच्छा दिखने के लिए और एक मेरी उम्र का बताता है। ये भी अच्छा है, सही है ना? ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा। ये पहन लेते हैं अभी फिलहाल। तो घर में सबसे छोटे की जो किट लगती है कि पानी ले आना, आपके साथ हुआ? बहुत दफ़ा हुआ, और बास जगह तो मैंने अपने दो भाइयों को बचाया भी है। सही है, क्योंकि वो दादी पूछती थी ये क्या हुआ, अदनान ने किया है। सही, मैं पूछ रहा हूँ मैंने कब किया है। तो मुझे एक किस्सा याद आ गया इसी बचपन के हवाले से। तो बैटमैन का मैं बहुत बड़ा शदाई था, तो बाथरूम में पर्दे लगे होते हैं। सही, तो मैंने उस पर्दे को काटा। सही, उसका केप बनाया। और ये एक देखो, कोई भी बाप होगा आज के दौर का तो वो खुश होगा, यार मेरा बेटा कितना क्रिएटिव है, बहुत यार क्रिएटिव। देखो यार उसने पर्दा काटा, उसे अरे केप बनाया, अरे वाह 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 वाह। हमने बनाया और उसके बाद मैं कूद गया छज्जे से अपने घर की, और पैर पे मोच आ गई। अच्छा, असली भी समझ लिया? हाँ, मैं समझे शायद उड़ जाऊँगा। नहीं होगा। इस बात पे मेरे अब्बा को अफसोस नहीं हुआ कि मेरे पैर पे मोच आ गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। उनको इस बात पे गुस्सा आया कि तुमने ये पर्दा फाड़ा कैसे। ओए, ओए, अब जो माशाल्लाह तबीयत ये दाएं और बाएं। गुस्से से याद आया कि तमाशा में इतना गुस्सा आया कि आपने साइन को क्या कुछ बोल दिया? पहली बात तो अब वो बात गई, रात गई, बात गई, मगर साइम ने ऐसी एक बात कर दी थी। हम दिखा देते हैं, छोड़ें आप, आपके याद दिलाएं, हमने दिखा दिया। तेरी माँ का नाम मजनू, तेरी माँ का नाम मजनू। तुम हो फितना, तुम जैसे लोग इस सोसाइटी को बर्बाद करते हैं। तुम जैसे जो जाहिल मर्द होते हैं ना, इस किस्म की बातें करते हैं। बच के शो से नहीं जाओगे, सीधा जेल जाओगे तुम।
शर्म नहीं आई ये बात करते? अगर मेरे पास ये हुकूक होते तो मैं तुम्हें मार मार के यहाँ से बाहर निकाल दूँ। तो बस साइम को मैंने ये बताना था कि भाई आप जो खातून हैं उसकी इज्जत बहुत ज़रूरी है, और एक ऐसी बात कर देना जो उसने कही है अभी वो बर्दाश्त के बाहर थी। तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस दिन, और यकीन मानो कि मैंने कहा था अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी कोट लगाऊं और थाने में दूं तुम। मैंने ज़िंदगी में आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। बात ही ऐसी थी यार। और सुना है वहाँ तो दांत वांत टूट रहे थे, क्या चल रहा था? फड्डे चल रहे थे, लड़ाइयाँ। मैं दिखा देता हूँ, ये देखें। धक्का नहीं, मैंने मना किया था। धक्का दिया तुमने मुझे, तुमने मुझे दिया धक्का। चलो निकलो। धक्का देके आई हो ना? मैंने अपनी जगह बनाई है, सिंपल। मुझे धक्का देके, अब मैं तुम्हें धक्का देके हटाऊं? धक्का तुमने दिया। तुमने दिया, मैं खड़ी थी वहां पे। तुमने दिया धक्का मुझे। अब एक लफ्ज नहीं आगे आगे आना चाहिए, सुने? तुमने मुझे काटा है। अच्छा देखो, दांत टूटा भी और लोग हंस भी रहे थे उस पे। तो हंसी भी आ रही थी उसको बाद में। जो बेचारे लोग थे प्रटेंड कर रहे थे कि बहुत परेशान है, मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ हंस रहे थे वो सब। वो दांत मायरा का टूट गया, मतलब जो जो रियलिटी टीवी में होना चाहिए था वो सारे लवाजमात पूरे हो, बिल्कुल थे। मुझे ऐसा लगा कि वाकई फिट थे इस शो के लिए। क्या आप एक्टर हो गए, होस्ट हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, एक दो काम मुझे और भी बताएं, ये सारे काम मिला के इतना पैसा लेके जाना कहाँ है? ये अच्छी बात की, पैसा है कहाँ? ये बताओ पैसा है कहाँ भाई? पहले तो आप बताएं पैसा कहाँ जा रहा है। यही नहीं समझ आ रहा, डॉलर इतना बढ़ता जा रहा है कि जितना कमाओ उतना कम है। जो आपने ड्रीम सेट किए वो सारे ख्वाब पूरे हुए? मैं तो बस ये दुआ करता हूँ कि मेरी हर जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जो मेरे और दूसरों के हक में बेहतर हो। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत। यस व्हाई नॉट यार, बेटियाँ हैं, उनकी पढ़ाई है, उनकी फिर बाद में शादियाँ हैं, और फिर बेटा है, खुद कमाए। लेकिन ये तो बहुत सारे ख्वाब हम सजाते हैं, इनमें से कुछ ख्वाब की पेमेंट लोग मार जाते हैं। देखें, आप और मैं जिस जगह पे बैठे हुए हैं, हम बेसिकली नौटंकी हैं। सही, ठीक है ना? वी आर हेयर टू एंटरटेन देम। एग्जैक्टली। और ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम, ठीक है, बड़ा मुश्किल काम है। तो इस काम के लिए इसका मुआवजा भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए आप भी इसलिए लड़ते हो और मैं भी इसलिए लड़ता हूँ। तो तमाशा के लिए माशाल्लाह अच्छा मुआवजा मिला। और तमाशा में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था? अगर देखा जाए ना, सिर्फ उसके बर्दाश्त की वजह से, ओके, उसको भी यकीनन गुस्सा आता होगा और बहुत आता था। आदि आदि अदील अमजद बड़ा जेन्युइनली एक इसी किस्म का आदमी है, ना फड्डा करता है ना किसी के फड्डे में पड़ता है, और आपको हंसाता भी है, और बड़े ज़बरदस्त चुटकुले, मतलब बड़े जेन्युइन होते थे कि कैमरे से बात करना शुरू हो गए। उसको फिर पिक किया उमर ने, तो दोनों फिर उन दोनों की टीम बनी गई। और जब दोनों ने एक टीम बन गए, दोस्त बन गए, तो फिर जो पूरे घर का उन दोनों ने हशर किया है। आदि और उमर के लिए दोनों के करियर में बहुत इसके बाद एक हमें वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आया। हाथों हाथ उनको जिस तरह रजिस्टर हुए, उनकी जो विट थी और जो उनकी कमिटमेंट थी काम की, वो तमाशा के ज़रिए हमारे सामने आई। इस पूरे तमाशा को जो सबसे खूबसूरती से जिसने इस्तेमाल किया है, बहुत ही चलाकी से, बहुत ही स्मार्टली, वो उमर है। क्या बात है। उसने तमाशा किया, ही वॉज नोन देन, बट वो रात ही रात एक बहुत ही फेमस एक स्टार बन गया उस तमाशा के हवाले से। उस तमाशा में भी स्टार बना, और जो कर रहा है वो भी तरीके से चल रहा है। हमारे हर शोबे में उसमें कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी बनती है। फलाना इन सन्स की हमने दुकानें देखी सारी ज़िंदगी, तो जो बच्चे होते हैं वो अपने बाप का कारोबार संभालते हैं, तो ये नेपोटिज्म हमारे शोबेज में क्यों इतना उसको किया जाता है ग्लोबली? देखिए, नेपोटिज्म का भी एक दर्जा है, बस यहाँ तक हो सकता है, या मैं किसी को फेवर एक दर्जे तक कर सकता हूँ, बाकी तो उसने अपने टैलेंट पे चलना है। मतलब मेरे दो भांजे, एक असद और दूसरा एहसन। एहसन भांजा नहीं, भतीजा है, बुरा नहीं मानना है, भतीजे को मैं कह रहा हूँ। माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेल, बैंक में है जी। जबकि मैंने असद के लिए कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा जी, पता है मुझे। असद खुद ही, उसने अपने रास्ते ढूंढे और खुद ही किया। मैंने
एहसन के लिए कहा किसी से, उसको मौका भी मिला, मगर शायद पहली अपॉर्चुनिटी शायद आसानी से मिल जाए, मिल जाते, लेकिन हाँ बार बार नहीं हो सकता। आपके अंदर खुद इतना जुनून होना चाहिए, खुद ऐसे जज्बे होने चाहिए, खुद ऐसी आग होनी चाहिए जो सिर्फ शोला नहीं बल्कि भड़क के पूरे जंगल को आग लगा दे। क्या बात है। तो ये ऐसे तो ऐसा कौन सा, क्या जुनून है ये, क्या है पैशन जो ऐसा हो हमारे कंटेस्टेंट्स में जो तमाशा के सीजन 2 में आग लगा दें? तमाशा क्योंकि ग्रुप वाला खेल नहीं है, इंडिविजुअल का खेल है, एक ही जीतेगा उसके अंदर, तो वो उसके अंदर एक एक वो आग होनी चाहिए जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि मैंने ही जीतना है, या अपने ही इस पैशन से निगोशिएशन नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, जो आपने करना है वो आप अपने लिए करना है। हाँ, वो एक बहुत ही बारीक लाइन है, उसको क्रॉस ना करें, ठीक है, खेल खेलो, दिमाग लगाओ, उसके अंदर जो हो वही नजर आओ। ये दुनिया सवाल बगौर सुन ले, एंजेलिना जोली, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये इन सारे एक्टर्स ने हमारे स्टार अदनान सिद्दीकी के साथ काम किया, तो उन्हें कैसा लगा? अरे पहली बात तो ये जिनके आपने नाम लिए ना, मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने इनके साथ काम किया। उनको इसमें श्रीदेवी का नाम भूल गया, श्रीदेवी, ये सब बड़े लोग हैं और इन्होंने बड़ी मदद की अदनान सिद्दीकी को अदनान सिद्दीकी बनाने में। ओके। क्योंकि आप कुछ ना कुछ कहीं से सीख रहे होते हैं, किसी से कुछ अंदाज सीखा, किसी से अदाकारी का कुछ एक अंग सीखा, किसी से किसी की कोई बात सीख ली, किसी से किसी का मिजाज सीख लिया, तो ये एक शख्सियत को उभारते हैं, एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है। तुमसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, रिकॉर्ड लगाने में माहिर ही है, पता नहीं यहाँ इतना सीरियस क्यों बैठा हुआ है। वन लाइनर्स इसके जुमले माशाल्लाह कमाल के हैं। इसका पहला सीरियल मेरे साथ था और जिस ऑडिशन से ये गुजरा और जिस खातून ने ऑडिशन लिया, इससे ख़तरनाक इम्तहान कोई नहीं ले सकता, सायरा काज़मी साहिबा। और मज़े की बात यह है कि वहाँ से फिर डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, तो बड़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन और जो आई वॉन्ट सॉरी कदा कलामी, तुम्हारी तवस्सुस से तुम्हारा वो बच्चा जो तुम्हारे साथ होता था आज वो क्या कर रहा है? मैं उसका क्रेडिट तो नहीं लूंगा, अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, लेकिन बट यू नो जाने मन है हमारे परमेश आदिवाल। बिल्कुल यार, जबरदस्त। He's a director now, माशाल्लाह, he's directing too. ये जस्तुजू होती है, ये आग होती है, ये पैशन, किसी काम के साथ अगर पैशन जुड़ जाए ना, सही बात है, तो वो फिर उसका रंग ही दूसरा होता है। अब ये जिक्र हो ही गया, मैं आपको बता दूं, आई वॉज नो वन, आई वॉज जस्ट अ थिएटर एक्टर, और मैं एक अपना पहला जो सीरियल कर रहा था, मेरा पहला सीन जिंदगी का जो रिकॉर्ड हो रहा था वो निदा काज़मी के साथ रिकॉर्ड हो रहा था। उसने मेरा काम देखा, उसने कहा ऑडिशन देने PTV आ जाओ। मैं मुझे सिर्फ ये याद है कि मैंने एक डोर देखा है लकड़ी का, उस पर गोल्डन से सायरा काज़मी लिखा हुआ है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा अब मैं आ गया हूँ। अब दरवाज़ा सामने खुला है तो लेफ्ट पे मैं देखता हूँ टेबल पे सायरा काज़मी बैठी हैं, पहले जो शख्सियत हैं वो अदनान सिद्दीकी बैठे हैं, और उसा अभी सुपर हिट हुआ है, सिर्फ अदनान सिद्दीकी और मिशी खान का नाम है। उसके बाद सानिया सईद बैठी हुई, आगा जाफर बैठे हुए, साजदा सैयद बैठी हुई, एंड आई एम सो लकी कि मेरा ऑडिशन उस दिन मैंने पास किया मेरिट पे सबके सामने रीडिंग करके, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और वो दिन है, आज का दिन है, हमने तो बड़ी जर्नी, और मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप पाकिस्तान से बाहर जाने का इस शख्स की वजह से हुआ। मेरी वजह से नहीं, अपनी मेहनत की वजह से आप उधर छा गए। आपको अपना ऑडिशन याद है कोई पहला? मेरे दोस्त हैं फैसल कमाल, ओके, उनको मैं पैपी कहता हूँ, पैपी, तो पैपी ने कहा कि यार अनवर मामू की गाड़ी ख़राब हो गई है, अनवर मकसूद साहब की गाड़ी ख़राब हो गई, वो PTV में उनको लेने जाना है। मेरे पास थोड़ी गाड़ी थी, गाड़ी उसी की थी, मेरे पास तो ज़िंदगी में कभी भी गाड़ी नहीं उस दौर में आई, और जब भी अगर निकालने की कोशिश भी की तो अब्बा जब सो जाते थे गाड़ी को धक्का देते थे और घर से एक फरलांग दूर ले जाके फिर गाड़ी स्टार्ट होती थी, वहाँ नहीं होती, घर में नहीं हो सकती, आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं जब गया हूँ तो जब दरवाज़ा हम खोलते हैं तो एक साहब बैठे हुए हैं जो डेस्क के पीछे बैठे हुए हैं, जो यकीनन डायरेक्टर थे बहुत बड़े, और बहुत सारे इधर लड़के बैठे हुए थे,
अनवर मामू उधर बैठे हुए थे, मैंने कहा भाई ये है डायरेक्ट, हाँ ये है, है? मैंने कहा क्या है ये, क्या है ये, मैंने कहा हो गया भाई बच्चों जाओ। अरे ये ऑडिशन था मेरा यार, ये कैसा ऑडिशन था? बस ये लव एट फर्स्ट साइट था, लव एट फर्स्ट साइट। मतलब मेरा असल में ऑडिशन तो हुआ, जो टेस्ट हुआ जिस दिन शूटिंग थी, तलत हुसैन साहब, महमूद अली साहब, अच्छा लेजेंड, हाँ, और ज़ैन तायरा साहब, माय गॉड। तो ये तीन लोगों के सामने मुझे खड़ा कर दिया गया, और जब मुझे पता लगा ये है, तो वो एक स्क्रिप्ट था, शायद ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा मैंने पूरा स्क्रिप्ट याद किया होगा, और उसके बाद अल्लाह का करम है कभी डायलॉग्स नहीं याद हुए, लेकिन नहीं याद तो ये इतना बड़ा जो एक फ़ोन आता था, उसकी मॉडलिंग भी तो की थी आपने? एक बड़ा किस्सा याद आ गया मोबाइल पे, मोबाइल तो था नहीं, तो मैं एक दिन अब्बा का मोबाइल चुरा के ले आया ज़ेब-उन-निसा की शूट पर। सही। सायरा काज़मी बड़ी सख्त डायरेक्टर थी, और ये था कि अगर उस ज़माने में नए नए आए थे मोबाइल फ़ोन, कि अगर किसी का मोबाइल बजा तो उससे जुर्माना ले लिया जाएगा 500 रुपये सेट पे। अब हुआ ये कि मेरा बहुत ही इंटेंस सीन हो रहा है, और मैं डायलॉग्स दे रहा हूँ, उधर से आ रहा है, और मुझे पता है कि सायरा गुस्से में आ जाएंगी, और होते होते एकदम फ़ोन बज गया। मैं कहा भाई ये क्या हो गया, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता सायरा के सेट पे फ़ोन बज रहा। मैं कहा भाई ये क्या, मैंने उसी फ़ोन को उठाया, मैंने कहा अभी बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है तुमको, और ऐसे मैंने प्रिटेंड किया सीन का हिस्सा, सीन का हिस्सा है, तो बाद में बात होगी। आपको पता है वो किसका फोन था? वो मेरे वालिद साहब का फोन था जिनका फोन आप चुरा के लाए थे, और वो मुझे गालियां दे रहे थे, मुझे गालियां दे रहे थे, मैं कभी बात नहीं हो सकती, मैंने फोन ही रख दिया और कुटास फिर? और फिर नहीं, मगर सायरा ने पैसे माफ कर दिए वो, क्योंकि वो सीन हो गया। तो कोई ऐसी सिचुएशन आपका, जब आप ये होस्ट कर रहे थे तमाशा को पूरा, इसका रियलिटी शो को पूरा आपने कंडक्ट किया, कोई ऐसी सिचुएशन जो नहीं मैनेज हो पा रही हो? हाँ, एक सिचुएशन आई, मैं मेरा लगा हुआ था कान पे, और मैं गुस्सा कर रहा था, इतना गुस्सा कर रहा था कि वो आमना लड़की थी, उसने कोई ऐसी बात की कि मुझे गुस्सा आ गया। भाई इफ आई एम द मैन ऑफ दैट शो, दैट मीन्स दैट यू हैव टू लिसन टू मी, राइट, एब्सोल्युटली। और मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया उसके ऊपर, और वो रोते हुए चली गई, एंड शी लॉक्ड हर बाथरूम डोर, बंद कर लिया। उसने कहा मुझे यहाँ से निकालो, मैंने इधर नहीं रहना, मुझे घर जाना है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई गलत ना हो जाए इधर, तो मैं बैक डोर से गया उसका, मैंने कहा देखो भाई मुझसे गलती होगी, मुझे 24 घंटे सब सारी फोटोज तो नहीं चीखना चाहिए था तुम पे, मगर तुम भी ज़रा ख्याल करो, मगर वो टस से मस नहीं हुई। मैं कहा देखो अगर अब नहीं खोलोगी मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। वो दरवाज़ा खुला, फिर वो उसको, बट यू आर स्केर्ड, आई वॉज एक्चुअली स्केर्ड कि यार ये गलत हो जाएगा जी। और एक तरबियत का सिलसिला हम आगे देखने वाले हैं, जिसमें बहुत सही किस्म की तरबियत होगी, और वो है तमाशा सीजन 2, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू तरबियत के साथ क्लास भी होगी, क्लास भी होगी, तरबियत भी होगी, और एक छोटी सी ब्रेक भी होगी। शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग कहते हैं कि जिसने ये फल खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। पहले मैं ये बताना चाह रहा था, मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझता था, तुम उस 2% आदमी के लिए ये क्रिया, तो मेरे पास आओ मैं तुमको बताता हूँ मैं कैसे काम दिलवाते। मेरी अम्मा ने ये नहीं देखा जो मैं हूँ, तो मैं ये ज़रूर चाहता था कि ये मेरी अम्मा भी देखती और मैं उनके साथ एक सेल्फी लेता। Knock 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 knock. Are you ready? The Knock Knock Show. Welcome back. आज हम celebrate कर रहे हैं हमारी legend Mr. Adnan Siddiqui को। और भाई क्या हालात चल रहे हैं महंगाई के, आपको पता ही है। तो लेकिन हमें लगता है कि एक्टर्स को समझा जाता है कि हम लोगों के लिए तो बड़ी आसानियाँ हैं, हमने तो बहुत, भाई लोग समझते हैं कि यार ये महंगाई सिर्फ उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता जी। वो दौर याद नहीं है कि हम अब्बा के कमरे में AC चलता था
और सब वहीं सोते थे। बिल्कुल, अब्बा ऊपर बिस्तर में चार सोए हूँ। और अब्बा से याद आए, मेरे अब्बा ये कहते थे कि बेटा ये जो तुम्हारा काम है ना, ये मंथली बेसिस का नहीं है, ये फ्रीलांसिंग है। हाँ। तो इसमें फिर बिल्स, बच्चों की फीस, ये सब कुछ कैसे मैनेज? हमारी बड़ी हवाई नौकरी होती है, एक दिन सेब तो दूसरे दिन वो कहते ना उसका बीज कोई नहीं फेंकता, इसका सेब अंगूर का, अंगूर का खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, बट आई थिंक इट्स अ साइकिल। आपके घर का जो पहला इवेंट मैंने ज़िबुनुसा के दौरान अटेंड किया, वो आपकी शादी थी। हाँ। शादी का सिलसिला कैसा रहा, कि किस तरह से, क्या चैलेंजेस होते हैं? मैंने कई इंटरव्यू आपके सुने, मैंने कोई डिटेल पे इस पे बात नहीं की। मज़ेदार बात बताता हूँ कि दो लोग नाचते रहे उनको बताया कि भाई वो लड़के वाले जा चुके हैं, मेहंदी खत्म भी जाए, मेहंदी खत्म, वो एक ये थे और दूसरे टीपू। सही बात है। शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग कहते हैं कि जिसने ये फल खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। मुझे ऐसा लगता है जिसने कमाल हो गया, अब से हमको ये गाना नहीं गाना पड़ेगा। भाई कमाल क्या हुआ ये तो बताओ। कमाल ये हो गया कि हमसे एक बड़ी ही खूबसूरत गलती सरजद होने वाली है। हाँ, जैसे बिल्कुल आपकी पैदाइश से गलती थी। एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की तुम्हारी चची बनने के लिए तैयार हो गई है। मुझे पूरा यकीन है, आपने गौर से देखा था भतीजे, उसको ना हमने ये बोल दिया है कि हमारा इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े एक्टरों के अंदर उठना बैठना है। अब वो कह रही है किसी से मिलवाओ तो मैं मानूं, किससे मिलवाऊं समझ नहीं आ रहा। आपको कभी किसी ने बालों से पकड़ के घसीटा है? भतीजे ऐसी आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता टांगों से पकड़ के दो चार दफा लोग घसीट के गए हैं। लेकिन हमने वो बात भुला दी है। वो एक चुक है यहाँ, वो हमें कभी कभी याद कराती है। तो आज जो चुक आपको यहाँ लाई है, उस चुक में क्या तुक है? अरे चुक ये है कि हम किससे मिल जी, अब नजर पड़ी। ये हमारे मुंह बोले चचा हैं जिनको कोई मुंह नहीं लगाता। आई चचा बैठी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे हमारा तो काम हो गया। या, या, या। हाँ भाई, वह कैमरा पकड़ लेना। हैं? वैसे तो आप तार पकड़ते हैं बैठते हुए। कैमरा यहाँ का बना हुआ था असल में। कोई बात नहीं अदनान भाई, हमारी प्रॉब्लम को समझिए आप। हाँ, हमने लड़की को बता दिया है कि अदनान सिद्दीकी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और फिर देखिए ना, हम तो आपके कितने बड़े फैन हैं। खुदा का खौफ करो, झूठ की भी एक हद होती है। ये तो ज्यादती है, नहीं ये तो झूठ है। झूठ, हमने बचपन से आपके ड्रामे देखे हैं। हाँ, गो के आप भी उसी में शामिल हैं। अरे समझे नहीं अदनान भाई, आप भाई हो गए, अब भाई हो गए, सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते रिश्ता। भाई हम क्या चाहते हैं कि आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। आ जाए इधर बैठ जाए, तकलीफ हो जाएगी। हाँ हाँ, वो चुक है ना यहाँ पे। हाँ, अपना घरारा शरारा सेट करो। बैठो। तो अदनान भाई, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारी शादी में हमारे हेल्प कर देंगे तो इसमें मसला क्या है? इस उम्र में सुसर बना जाता है। हाँ। इस उम्र में दादा बना जाता है। हाँ। आप शोहर बनने जा रहे हैं। अदनान भाई देखिए, एक बात का ख्याल रखना है। जी जी। कि जब वो लड़की को मैं यहाँ बुला लूँ है तो आप ना उसको बेटा बेटा कहिएगा। बेटा को। हाँ। तुम लौंडे बन जाओ और हम चचा बन जाए सारे। मैंने डर क्या है, डर बता। मैंने इनका वो वाला ड्रामा देखा है, मेरी सास तुम हो, मेरे पास तुम हो, मेरे पास। हाँ, जिसका आपने जितना बेसुरा गाना गाया है, उस हालात में तो कोई भी आपके पास नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि उस ड्रामे के अंदर भतीजे,
ये क्या करते हैं कि वो जो लड़का है अपना हुमायूं साइड उसके बनी बनाई गेम, वो जो लड़का है हम चाचा है बेटा बेटा के हैं भाई, वाह 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 वाह, वो लड़का और हम उम्र, वो असल में वो उन्होंने 100 रुपए महाना मेरा लगाया हुआ है, कहा जब भी मेरा जिक्र करो मुझे लड़का कहो। अच्छा, और फिर ये भी कहा कि अदनान साहब के आगे कहो लड़का तो मैं 200 दूंगा। अरे वाह 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 वाह, उन्हें लड़का ना कहना। चलो इसलिए लंबाई लंबाई कट, हुमायूं को ये गेम काट के उनकी पैसा इस्तेमाल करके नामुमकिन को मुमकिन करके उस लड़की को ले उड़ जाते हैं निवाला लेके। हाँ, और उसकी बात पहुंच जाती है मौत तक। है हमें मौत नहीं चाहिए, हमें तो बस आपकी थोड़ी दोस्ती चाहिए कि हमारी गेम बना दे, बाकी क्या है चलता रहेगा। मौत से तो बहुत दूर है, आप सिर्फ मौत चाहते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं फिर? आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब वो लड़की आ जाए तो मेरी तारीफ होके पुल बांध दीजिएगा। मुझे लगता है ये सलूशन की बात कर रहे हैं, वो सूंघ भी लिया है। देखिए मैं आप बादशाह है ना, आपने क्या अद्दू मियां है ना आप। देखिए मैं अगर अगर आप नहीं मानेंगे मैं आपके पांव पकड़ लूंगा, मैं पांव पकड़ में लेता हूं। चाचा बस 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 बैठ जाओ, ये असल में पहले भी मैंने बताया। हां कह दीजिए आप, बुलाएं कौन? बुलाएं भाई, बुलाएं। तालियां होनी चाहिए ऐसी बात पे, मान गए। आ जाओ हमारी रूहे रवा जाने जहां, आ जाओ आ जाओ। नवाब साहब अब गिरने लगी थे, बस बस इधर खड़ी हो जाओ, तुम खड़ी हो जाओ। नवाब साहब अभी यहाँ खड़े होने, बस हो गई एंट्री बस। आप जो भी है ना, आपकी हिम्मत को दात है कि आपने इनको हाँ कही है। नवाब साहब घूंघट ऊपर कर लो। नहीं 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 नहीं, नवाब साहब सांस नहीं आ रहा। नवाब साहब सांस तुमको नहीं आ रही, घूंघट उठा लोगी तो इन दोनों की सांसें बंद हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस चेक करें आप, एक आदमी का कॉन्फिडेंस खत्म है यार। हमारे नवाब साहब इनसिक्योर बहुत, सॉरी नवाब साहब कंटिन्यू। तो अब हम ये कह रहे थे कि भाई आपसे हमने कहा था ना कि हमारे बड़े बड़े एक्टरों में दोस्ती है। जी जी, देखिए कौन है हमारे बचपन के दोस्त, अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी, आदाब आदाब आदाब। क्या सच में नवाब साहब आप इनके दोस्त हैं? हाँ हाँ हाँ, ऐसे वैसे ऐसे। अदनान आए तशरीफ रखें ना। हाँ इधर आओ इधर आओ। फिर वो जब आ जाते थे लड़कों को लेके तो कहते थे ये देखो मेरे साथ कौन है, मुझे आगे करते थे, मैं फट्टा करता था। बस इस उम्र में इतनी फुर्ती है आपने, माशाल्लाह। है ना शादी की बात है ना, एक्साइटमेंट। अच्छा कॉलेज के अंदर सारी लड़कियां हम पर मरती थी, है तो ये हमारे आगे पीछे घूमते थे कि सेटिंग। अच्छा उसके बाद वो शुएब मंसूर साहब कह रहे थे भाई नया लड़का चाहिए जो बड़ी अच्छी होस्टिंग करता हो। मैंने कहा मेरे पास एक लड़का है अदनान सिद्दीकी। आप कर लीजिए बड़े अच्छे लगेंगे। हमने कहा भाई देखिए हम तो बन ही जाएंगे हीरो, हम तो हैं हीरो, लेकिन एक नया लड़का है अदनान सिद्दीकी, आप उसको लीजिए। मतलब अगर आप ना होते तो अदनान सिद्दीकी ना होते, ये कह रहे हैं आप? ग्रामी क्या है? अरे ग्रामी विरामी हम सब किलोग्राम में है, ये ग्रामी नहीं है। एक सेकंड, इसमें ग्रामी ना बताओ, इंस्टाग्रामी बता दो। नहीं नहीं नवाब साहब मैं बता दूं। नहीं नहीं आप चुप रहिए, आप टिकटॉकर हैं। तो फिर क्या हुआ, मिस्टर इंडिया की ऑफर आई, हमने कहा अद्दू मत जाओ अच्छी नहीं है। वो जुदाई फिल्म की ऑफर आई, हाँ हमने उनको कहा श्रीदेवी की जगह किसी और को ले लीजिए, उन्होंने नहीं लिया। हमने कहा अद्दू नहीं जाओ, एंजेलिना जॉली वाला काम जो हमने तुमको दिलवाया बताओ ना। अब ना हम क्या कह रहे हैं, हम जाके शादी की तैयारी व्यारी सहरा बैंड अट्रम पट्रम देख कर आते, आप ना हमारी तारीफों के पुल बांध दीजिए कि हम आए सिंगल जाए
डबल कपल कपल हाँ हाँ भाई संभाल लीजिएगा हाँ और तुम घूंघट नहीं उठाना भतीजे पुलाव बनवा लेते हैं पुलाव कैटरिंग भाई अब वो कह के गए संभाल लेना तो संभाल लो मैं तो तुम्हें हैप्पी हम घूंघट तो उठाए ओए 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 इनका नाम हैप्पी है हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी यू आर हैप्पी नाउ आई एम हैप्पी टू वेरी हैप्पी असली वाला ओए ओए निकल आया पहले मैं ये बताना चाह रहा था मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझता था नॉनसेंस तुम उस 2% आदमी के लिए उस 2% आदमी के लिए ये किया तो मेरे पास आओ मैं तुमको बताता हूँ मैं कैसे काम दिलवाते अब जब वो आए तो उससे नहीं बात करना पर मैंने ना कसम खा ली है ना शादी करने की उससे उसने कहा था वो बड़े बड़े लोगों को जानता है इससे मुझे बड़ा सा एक कैरेक्टर कसम मत खाओ बस जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो खाओ फल वैसे हाँ आप सही कह रहे हैं आप तो इंडस्ट्री के इतने बड़े बादशाह आप तो मुझे कोई ना कोई कैरेक्टर दिलवा ही सकते हैं क्या कर रही हो तुम आजकल मैं आजकल कुछ ही तो नहीं कर रही है एक दो प्रोजेक्ट्स किए थे आपको पता है उसके भी पैसे नहीं मिले मेरे पास तुम हो को सीरियस ले गए सर चलो कोई बात नहीं वैसे बस ये मेरा है एंड हैप्पी मैं पीपल कॉल मी अदनान बट यू कैन कॉल मी टुनाइट I will definitely नवाब साहब आपकी तो कोई जरूरत ही नहीं लानत भेजते हैं नवाब साहब पे लानत ही हो गई उनके ऊपर तो इनकी एंट्री थी भूल गए लगता है नवाब साहब आ नहीं रहे वो हार्ट अटैक से मर आ गया तोड़ दिया आज तो अदनान भी और बताइए नहीं नहीं बेटा बजेगा ये टा 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 ऐसा है कि ये मजाक कर रहे ना नहीं नहीं हम इंशाल्लाह भाई कौन हो यार से चलो भाई कौन हो कौन बड़े प्रोजेक्ट की बात चल रही है बुढ़े दूर रहो दूर रहो चाचा सफर हार्ट अटैक फील देख रहे हो वो दिल की लाइन तो सीधी है लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ जिंदा हूँ तू मैं तुम्हारे साथ जिंदा रहूंगा ऑडिशन दे रहे क्या आप आई विल कम इन योर ड्रीम्स कद्दू मियां चाचा मर रहा है तुमको कॉमेडी की पड़ी भाई प्लीज इमोशन बढ़ाओ साइन वाइन हो गई सही जगह जाके मर जा रहा है यहाँ पे लेटना है इधर इधर आ जाओ स्पेस ये ये ऐसे मर ये नमाज़े जनाज़ा वगैरह सब यही होगी आप बैठिए अरे नहीं बेटा मर जा मेरी आवाज सुन के नवाब साहब उठ गए पैक हो गया भाई पैक हो गया नवाब आराम से पैक हो गया कोई बात नहीं तो ऐसे लोग कंटिन्यू नवाब को बाहर भी ले जाए अच्छा बाहर भी ले जाए मैं सोफे के पीछे कर देता हूँ तुझे हाँ। मैं इनको लेके चली जाऊंगी नवाब का यूनिफॉर्म ना खराब आप फिक्र ना करें सर मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई अरे नवाब के कपड़े उतार के गाने लगा के आती हूँ अरे नवाब साहब की टोपी हम यहाँ सजा लेते हैं खैर ये तो था एक मजाक मगर मैं एक बात इसी हवाले से कहना चाहता हूँ कि ऐसे बड़े मौके आते होंगे कि लोग आपको कहते होंगे कि मैं आपको अदाकारी करवा दूंगा मैं उनको जानता हूँ मैं इनको जानता हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता आपने जो कुछ करना है अपने बलबूते पे करना है आप लोगों से गुजारिश है अगर आप में सलाहियत है तो अपना लोहा खुद मनवाइए अदु भाई आपसे कुछ दिल की बातें करते हैं आए ज़रा आमने सामने ऐसा क्लोजअप में बैठेंगे आइए ओ थैंक यू अदनान सिद्दीकी ये बताइए कि आपको एक रोल ऑफर हुआ गालिबन वो मिस्टर इंडिया तो आप को बाद में रिग्रेट हुई क्यों नहीं किया क्या वजह थी यस एक था मगर मैंने कभी इसका जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि जब वो बात ही नहीं हुई वो यकीन भी नहीं करेगा तो जाने दो अगर हम हिंदुस्तानी फिल्मों में या हम हॉलीवुड की फिल्म्स में काम करना चाहते हैं एज एन एक्टर उसकी वजह क्या होती है मैंने स्टार्ट की एज ए मॉडल राइट
फिर आप अदाकारी की तरफ आए, मैं प्रोडक्शन की तरफ चला गया, आप प्रोडक्शन से डायरेक्शन की तरफ भी आ गए। तो ये एक सीढ़ियाँ हैं। अल्लाह ताला आपको ये सलाहियत दे देता है कि आपने अपने मुल्क में काम कर लिया, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है फर्दर ग्रो करने की तो इसमें क्या मज़ाक़ा है कि इफ़ यू गेटिंग अ चांस फ्रॉम योर नेबरिंग कंट्री तो वाई नॉट। मुल्कों की बॉर्डर्स होती हैं, आर्टिस्ट की बॉर्डर्स नहीं होती, एक्टर की बॉर्डर्स नहीं होती। दुनिया आपके साथ सेल्फी खिंचाना चाहती है आज, आप किसके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं? मेरी अम्मा ने ये नहीं देखा जो मैं हूँ, तो मैं ये ज़रूर चाहता था कि ये मेरी अम्मा भी देखती और मैं उनके साथ एक सेल्फी लेता। अब्बा से बात की इस बारे में कभी? अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है बाप होता है या घर का जो सरबरा होता है वो ज़िंदगी भर एक कश्मकश में लगा रहता है, वो हर किसी से आगे बढ़ना चाहता है, मगर अपनी औलाद के आगे वो कहता है मेरी औलाद मुझसे आगे बढ़े। कि अगर मैं स्टेप वन से फिफ्थ तक आया था तो मेरी औलाद 0.5 से टू ऑनवर्ड्स है। ऑनवर्ड्स, मगर वो वहाँ भी कहता है देखो यार मेरी औलाद है ये। सही बात है। तो वो प्राइड लेता है, प्राइड लेता है, तो वो भी फिश करते थे कॉम्प्लीमेंट। एक मैंने अपने अब्बा का एक जुमला एक ड्रामे में मोहब्बत जाए बाढ़ में बहुत इस्तेमाल किया, जबकि वो स्क्रिप्ट में नहीं था। तो उसमें मैं हिना दिलपजीर मेरी बेगम बनी, उनको कहा जाहिल औरत। तो वो मुझे कहता वो जाहिल इंसान। मुझे हमेशा जाहिल कहते थे वो। कोई ऐसी बात जो कहना रह गई उनको? टाइम आता है कि आपके वालिद ने आपको पाला, फिर एक टाइम आता है कि वही वालिद को आप पाल रहे होते जैसे उसने पाला। बिल्कुल, साइकिल, वही बाप बच्चा बन जाता है। एग्जैक्टली। तो वही टाइम है जब हम ज़िद करते थे वो कुछ नहीं कहते थे, जब वो कुछ बात कहते हैं तो हम उसको कहते हैं आप नहीं जानते। आई गेस ये बाद में रियलाइज़ होती है, ये भी कोई रियलाइज़ नहीं कर सकता जिसके वालदैन हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद रखे, आमीन, आबाद रखे, उनका साया बरकरार रखे, मगर उनके जाने के बाद आपको एहसास होता है कि यार ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। यस, टाइम चला जाता है, यादें रह जाती हैं। अदनान सिद्दीकी, वी आर एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यू हैव डन अमेजिंग थिंग्स इन योर लाइफ, नॉट ओनली फॉर शोबिज बट फॉर योर पर्सनल, फॉर योर किड्स, फॉर योर फैमिली। आई हैव सीन इट अपनी आंखों से। यू आर इंस्पिरेशन फॉर मी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आई लव यू सो मच, इसका मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ आपके वालदैन को जिनको आप इतना मिस करते हैं। वो कष्ट अगर आपकी माँ ने ना काटी होती और जो उसके बाद कष्ट बाप ने अकेले आप लोगों के लिए काटी, उसकी कोई मिसाल नहीं है। आज अदनान सिद्दीकी हमारे पास ना होता अगर उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया। अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। आमीन, मेरी दुआएं उसके साथ हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अदनान सिद्दीकी को आज, और एक खूबसूरत शाम हमने गुजारी, बहुत प्यारी बातें रही, मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शो था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और बहुत जल्द तमाशा 2 में अदनान सिद्दीकी आपको पूरी आबोताब के साथ नजर आएंगे। बादशाह सलामत, अंटिल देन गुड नाइट, खुदा हाफिज। दस्तक देता हूँ अपने मन की, कहता हूँ किसके दिल में कौन छुपा है ये राज पता कर लेता हूँ।